अभी अभी आदि शंकराचार्य के जीवन पर आधारित उपन्यास जो विद्रोही सन्यासी के नाम से लेखक राजीव शर्मा जी ने लिखा है उसका अध्ययन पूरा किया है। मुझे ये कहने में संकोच नहीं है कि मैंने इस उपन्यास को शब्दशः पढ़ा है। मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि उपन्यास को पढ़ने के पूर्व इतने गुरु गंभीर विषय के ऊपर अपने दायित्व का पूरी तरह से लेखक निर्वाह कर पाएगा अथवा नहीं, इस मामले में भी मेरे मन में उपन्यास प्रारंभ करने के समय से ही कुछ शंकाएं थी। आज जब मैंने इस उपन्यास को पूरा पढ़ करके संपूर्ण किया तो मुझे निसंकोच रूप से स्वीकार करना चाहिए कि मेरी सारी आशंकाएं निर्मूल थी। सर्वप्रथम कला पक्ष की बात करूं तो इस उपन्यास में प्रयुक्त भाषा ऐसा प्रतीत होता है, संस्कृत निष्ठ तो वो है ही, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य भारतीय भाषाओं को भी अपने आगोश में समेट सके ऐसे सामर्थ्य केवल संस्कृत में ही विद्यमान है और संस्कृत के ही तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग करके लेखक ने कुशलता पूर्वक इसे संपूर्ण भारत में पठनीय बना दिया है। राजीव शर्मा जी की अद्भुत लेखन क्षमता का मैं कायल हूं। मैंने उन्हें अपने कैरियर के आरंभिक काल में देखा है, उनके साथ रहने का मुझे सौभाग्य मिला है। मुझे उस समय से ही ये तो ज्ञात था कि वे हिंदी में सिद्धहस्त कवि या लेखक बनेंगे, किंतु इस ऊंचाई को छू सकेंगे इसकी अपेक्षा किसी को भी अपने परिवारजन से जैसे नहीं होती है वैसे ही मुझे भी नहीं थी। इनके साथ ही ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी भी थे जिन्होंने शिव से शिवांश की रचना कर एक अलग प्रकार की यात्रा वृत्तांत को हमारे सबके सामने उपलब्ध कराया। मैंने सुना है उन्होंने तुलसी के रामचरित मानस पर भी एक बहुत अधिकृत ग्रंथ लिखा है दोनों पति पत्नी ने मिलकर। इन दोनों महानुभावों के साथ रहने का एक अलग ही आनंद था। मैं लौटता हूँ विद्रोही सन्यासी पर। विद्रोही सन्यासी की कथा में जो मेरी दूसरी शंका थी वो ये थी कि क्या शंकराचार्य के जीवन के उन साधनहीन दिनों में संपूर्ण भारत की यात्रा कर एक विचार वैचारिक क्रांति, एक धार्मिक आंदोलन को करने वाले आदि शंकराचार्य के जीवन की जाह्नवी को क्या इस प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकेगा कि उसमें अपना मूल ध्रुव तो बना ही रहेगा गंगा की ही तरह, किंतु स्थानीय जितने भी उसमें जल प्रवाह सरिताएं छोटे नाले नालियों से लेकर के बड़ी नदियों तक आकर के सम्मिलित होने के बाद भी वो महासागर अरब सागर में जाकर बंगाल की खाड़ी में जाकर के ही अपना पूर्ण रूप विलीन करेगी इसकी संभावना मुझे नहीं लग रही थी। मैं आभारी हूँ उनका इसलिए भी कि ये उपन्यास आने वाली पीढ़ी के लिए भी आदि शंकर के जीवन का एक अधिकृत परिचय बन सकेगा। मैंने शंकराचार्य के जीवन के ऊपर वह संस्कृत फिल्म भी देखी है और मैं उससे बहुत ही प्रभावित हूँ जो पूरी संस्कृत भाषा में बनी हुई मेरी देखी हुई एकमात्र फिल्म है। इसी प्रकार मैंने शंकराचार्य के संबंध में लिखे जाने वाले अन्य ग्रंथ, उनकी स्तुतियाँ यदि तो पढ़ी ही हैं, इसके अलावा भी उनके जीवन पर लिखे गए अन्य पुस्तकों का भी अध्ययन किया, जिसमें एक
बीकानेर के स्वामी संबित गिरी भी हैं। दीनदयाल उपाध्याय ने भी शंकराचार्य के जीवन पर एक पुस्तक लिखी है। इन पुस्तकों को भी मैंने साथ बीच बीच में साथ साथ पढ़ते हुए यह पुष्टि करना चाहिए कि लेखक कहीं अपने काव्यात्मक उत्साह में मूल मार्ग से कहीं भ्रमित भटक तो नहीं गए हैं, कि तो मैंने पाया कि इतना सुंदर निर्वाह और भटकने का कोई नाम ही नहीं। थोड़े समय के लिए ऐसा लगता है लेखक के हृदय में आदि शंकराचार्य स्वयं ही आकर विराजमान हो गए हों और उन्हें प्रेरणा कर दे रहे हों कि एक प्रवाह इस तरह से बहे कि युगों युगों का साक्षी बन सके। बात बहुत लंबी ना हो जाए इस डर से एक अंतिम थोड़ा सुझाव दे करके मैं इसे खत्म करूंगा, और वो सुझाव ये है कि पुस्तक की छपाई सुंदर है किंतु इसका जो अक्षरों का आकार है वो हमारे जैसे वय प्राप्त व्यक्तियों को थोड़ी कठिनाई पैदा करता है। मुझे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी कुछ एक शब्दों को देखना पड़ा क्योंकि मैं चूकना नहीं चाहता था एक शब्द को भी। अगला संस्करण यदि शर्मा जी छपवाएं तो मेहरबानी करके इसके अक्षरों का आकार थोड़ा बड़ा रखें। यदि इन स्थानों पर जहां पर निश्चित रूप से लेखक घूमे हैं उन्होंने बहुत अच्छा आइडिया भी है उनके स्थानों के लिए गए कुछ चित्र भी इस पुस्तक में सम्मिलित कर लिए जाए तो ये और भी बहुमूल्य, इसका मतलब मूल्य में चार चांद या मूल्य में सितारा जल जाएंगे, कहूँगा चांद तारा जल जाएंगे। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनका बहुत बहुत आभार मानता हूँ और अभिनंदन भी करता हूँ।